हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, और तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और ये हेयर स्टाइल आप लोग ट्राई कर सकते हैं ओकेजनली, बस जस्ट बिकॉज विंटर आई हुई है, तो विंटर में हम लोग को देखते हैं कि कैप के साथ में किस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए इस कैप का यूज़ करूँगी, और इस कैप की हेल्प से मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अभी तक जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको वेलकम है, एंड इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बनाने वाली हूँ वो हेयर स्टाइल, कुछ नहीं सोच के बैठी, जस्ट रैंडम सोचा है क्या क्या हेयर स्टाइल बनाऊंगी, जो दिमाग में आता जाएगा वो क्यों बनाती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले क्या चाहिए, कॉम चाहिए होगा। तो अपन बालों को पहले से सुजा के बैठी हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और तो क्या, इस टाइप की कैप के साथ में मुझे हेयर स्टाइल बनानी है। आप कोई भी कैप ले लो, टोपा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये टोपा लोगे तो वो इस तरह से जाएगा, है ना। तो और है ना, आप उसको मतलब कुछ नहीं, आपको बालों को पहले सॉर्टेड करना है। और बिकॉज है ना इस टाइम विंटर हो रही है, तो आप लोगों को ठंड मतलब बालों से ना आपके कानों को वैसे भी हवा नहीं लगने वाली है। तो नॉर्मल कोई भी कैप लेके उसको इस तरह से कैरी करना है आपको, ठीक है, अच्छे से। एंड आपको अच्छे से बालों को कवर कर लेना है, एंड बालों को ना नॉर्मली एकदम एकदम मतलब ना कोई रबर बैंड का यूज़ करना है, एंड टोटली इसको इस तरीके से छोड़ देना है। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे तो इस टाइम बहुत अच्छा लगने वाला है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यदि मतलब यदि आपके पास जरूरी नहीं है इस टाइप की कैप हो या नहीं हो, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। नॉर्मली बालों को यदि आप चाहते हो बालों को कोई चोटी बनाना चाहते हो तो वो भी बता दूंगी, बिकॉज इनको निकालते देखो ऐसे ना बाल एकदम से ना ऐसे बुनते हैं, मतलब क्या थे एकदम से, वो क्या बोलते थे यार उस टाइम में, एकदम चिपक जाते थे, बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप से फूल लगते थे। तो जस्ट कुछ नहीं करना, बालों को अच्छे से एकदम से सुलझा लो, एंड उसके बाद में कोई भी लेके इस तरीके से इसको कवर कर लेना है आपको, एंड आप बहुत अच्छे लगने वाले हो। और कोई पता है क्या, बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि सर्दी में, बचाना भी खुद को और थोड़ा सा स्टाइल भी करना है, ठीक है। आप बता नहीं इसमें क्या क्या लग रहा है, आई डोंट नो क्या है, बाबा रे हट जाओ, ठीक है। देन इस तरह से आप कर सकते हो, एंड बहुत अच्छा लगने वाला है। फर्स्ट लुक तो बहुत ही ईजी था, जो जल्दी से इन्वेंट हो गया, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो सेकंड लुक में मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे यदि अगर कोई जो हेयर स्टाइल बता रही हूँ वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए है, नॉर्मल हेयर स्टाइल सबके लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जस्ट एक इस तरह से ले लेती हूँ पार्ट को, एंड उसके बाद में इसको मैं ट्विस्ट करके बैक साइड में यहाँ पे ट्विस्ट करके इसको यहाँ पे इस तरीके से ट्विस्ट कर दूंगी। एंड मतलब ये हेयर स्टाइल उनके लिए, जो लोग जैसे कोई वर्किंग है और जाते हैं काम पे, और उस टाइम उनको लगता है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट बालों को मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उनको चाहिए कि थोड़ा हेयर स्टाइल भी इन्वेंट करनी है, क्योंकि जस्ट ही वो यदि नॉर्मल बालों को जैसे हम करते हैं तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा बालों को लेंगे एक बार वापस से सेम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उसके बाद में सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेके इसको बॉबी पिन की हेल्प से इसको इस तरह से सिक्योर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये स्टाइल बन चुकी है, आपको लगता है तो उसको सेट कर लीजिए, अदरवाइज मेरी तरफ से ये स्टाइल ठीक है। और यदि मैं इसको कैप के साथ में यूज़ करती हूँ इस स्टाइल को, आपको लगता है तो आप इसको इस तरह इधर से भी सेम कर सकते हो, बट मैं फिलहाल इसको ही करने वाली हूँ। एंड उसके बाद में और इसको इस तरह से छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये स्टाइल एक सेकेंड नंबर की स्टाइल बहुत अच्छी लगने वाली है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि आपकी एक साइड से आपको लगता है थोड़ा सा स्टाइल लुक भी आ जाएगा, एंड बहुत अच्छे लगने वाला है। हम इसे ट्राई कर सकते हैं इस टाइप के हेयर स्टाइल के, तो बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप इसको जैसे आप इसको निकाल भी दे, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में 2-3 घंटे सुबह 8-9 बजे तक 10 बजे तक बहुत ज़्यादा विंटर होती है, एंड आप थोड़े टाइम बाद यदि 12-1 बजे 2 बजे तक धूप निकल देते हो, आप इसको निकालोगे ना तो आपके बाल ना ख़राब भी नहीं होने वाले, क्योंकि ये इस तरह से अपने सिक्योर करके बनाए गए हैं। तो आप मतलब वो इस तरह से ऐसे चिपके चिपके टाइप के लगेंगे, जो आपके लुक को भी नहीं बिगाड़ेंगे। तो आप इस तरह से इस तरह के हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं, ये इसलिए आपको अच्छी लगी। आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से सेम यहाँ पे भी ट्राई कर सकती हूँ, आपको और भी लग रहा हो तो सेम इसी स्टाइल को यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखती हूँ, और यहाँ पे जाके इसको मैं बैक साइड में इसको सिक्योर कर लेती हूँ। देखिए मैंने कहा आप, और यहाँ पे जाके इसको सिक्योर कर लूँगी मैं वही टिकटॉक पिन की, सॉरी बॉबी पिन की हेल्प से सेम। तो आपके बाल भी, और मतलब यदि आपको मतलब यदि लगता है कि फेस पे आने से बहुत से लोग बालों को बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से हेयर स्टाइल को रखना है, एंड अच्छे से प्रेस कर लो। देखो
ठीक है, हेलमेट भी डाल लो यदि आप लोग टू व्हीलर से भी जा रहे हैं, तो आपका हेयर स्टाइल भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो हेयर स्टाइल नंबर 3 भी आपको अच्छी लगी होगी, एंड जस्ट देख लीजिए इस तरफ से लगने वाला, एंड उसको निकालोगे भी ना तो आपके बालों की हेयर स्टाइल बिगड़ने वाली नहीं हो, बाल वैसे के वैसे लगने वाले हैं। ठीक है, और सर्दियों के टाइम में थोड़ा ऐसा होता है कि रूसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी केयर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फॉर्मूला, आप क्या ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं हेयर स्टाइल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि आपने इस तरह के अभी इसी स्टाइल को मतलब आप कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग बालों को आपको लेना है, और एक जिससे लगता है किसी को नहीं मुझे बालों को खुला नहीं छोड़ना, ऐसे पोनी को बनाना है, बालों को अच्छे से सारे बालों को लेके। पोनी तो हर कोई बनाना जानता होगा, तो वो तो नहीं सिखा रही मैं यहाँ पे, इस तरह से लेके रबड़ बैंड से उसको सिक्योर कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद में बालों को थोड़ा लूज बांधी के, ज़्यादा टाइट बांधने से बालों में मतलब सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे हल्का हल्का, तो आप इसको ऐसे लेके आएंगे। एंड उसके बाद में इसको बस इसी तरीके से देखो यहाँ पे बना हुआ हेयर स्टाइल है, बहुत अच्छी लगने वाली है। सेम बालों को आगे की तरफ करके एंड आप ओके डन। तो ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगने वाला है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो बालों को आप आगे रखते हो तो भी ठीक है, नहीं भी रखते हो तो, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे लगना है, तो मैं यहाँ से एक सेकंड बताती हूँ, यहाँ से इस तरह, ठीक है, एंड इस तरीके से आप लगा सकते हैं, एंड बहुत अच्छा लगने वाला है। आप इस तरह की हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, एंड आप इसे चाहे तो कल करना चाहे तो कर दो, नहीं तो नॉर्मली छोड़ दो, तो भी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, और चाहते हो बैक साइड में रखना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैक साइड में रख लीजिए। एंड उसके बाद में अगर बैक साइड में रखना है तो कुछ नहीं, आप बैक साइड में रख लीजिए, एंड उसके बाद में कैप को इस तरीके से लगा के एंड जस्ट छोड़ दीजिए, एंड बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड देख सी मैं कहा कैप के साथ में भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी अच्छी लग सकती है। एंड उसके बाद में यदि कोई टीनेजर बालों मतलब टीनेजर से लिए हेयर स्टाइल बताना चाहूँगी मैं, तो इस तरह से खर्च करना है जैसे आपको लग रहा है कि बालों को मतलब दिखाना भी है क्योंकि मतलब बाल अच्छे हैं, तो कुछ नहीं करना, पोनी वही है मेरी, मैंने उसको बस 2 पार्ट्स कर लिए हैं। एंड उसके बाद में सेम इस तरीके से यहाँ पे चोटी को दिखा लिया मतलब रख लिया, एंड देखिए रबड़ बैंड सिंगल जो चोटी थी वो मेरी सिंगल एक ही रबड़ बैंड है यहाँ पे, बस मैंने बालों को इधर से पार्ट्सिंग कर लिया। एंड उसके बाद में बस यहाँ पे इस तरीके से आप कर मतलब बालों को थोड़ा आपके अच्छे भी लगेंगे, किसी को लगता है ये दो दो चोटी है या फिर जैसे भी है नॉर्मल आप बना सकते हो, आपको लगता है तो जैसे ब्रेड वगैरह भी बना सकते हो। अब आप लोग काउंट कर लेना कितनी हेयर स्टाइल हो गई, क्योंकि मैंने काउंट करना छोड़ दिया एक टाइम के बाद, मैं हमेशा से करती हूँ ना काउंट करना छोड़ देती हूँ एक टाइम के बाद में। आप इस तरीके से सिक्योर कर लीजिएगा रबर बैंड से, और रबर बैंड लगा लीजिए, एंड बहुत अच्छा लगने वाला है इस तरह से। इसलिए यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगने वाला है, सिंपल पोनी के साथ में है 2 तरफ से, और उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी मैं इनको छोड़ देती हूँ खुला, एंड अब मैं ट्राई करूँगी अनदर हेयर स्टाइल। तो पहले एक बार इनको खोल देते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा फंसी फंसी से नहीं जाएंगे, फंसी फंसी से मतलब फिर मतलब बहुत ज़्यादा फिर उनको सुलझाने में प्रॉब्लम होगी, तो जस्ट जल्दी 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 2 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बालों का 2 पार्ट्स मतलब यदि कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यदि हमको हेयर करने कहीं ठीक है, तो उस टाइप से इस टाइप से हेयर कर सकते हैं नॉर्मल सी, यहाँ से एक मतलब एक बार यहाँ से आगे की साइड से थोड़ा सा लेके बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, हल्का सा ट्विस्ट करके, क्योंकि आगे से वो थोड़े बाल अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद में हल्का सा प्रेस कर देना आगे की साइड, ठीक है, वो तो वैसे करोगे यदि नहीं तो भी वो आपके मतलब बालों में, एंड उसके बाद इसको सिक्योर कर देना बॉबी पिन से। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिक्योर कर देना है आपको, ठीक है। हेयर स्टाइल वगैरह ज़्यादा हार्ड नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी इजी हेयर स्टाइल है जो आपने कई बार, एंड उसके बाद सेम इसको सिक्योर कर देना है, एंड बालों को 2 पार्ट्रीशन करना है। एंड उसके बाद में इन बालों का एक आपको बन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मतलब मैंने यहाँ से मैंने ऐसे लिया, एंड उसको होल्ड करते हुए पूरा रोटेट करते हुए, ठीक है, एंड रोटेट करते हुए
अगेन रोटेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं है, थोड़े बड़े और चाहिए मुझे, बट हो नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना एक एक मतलब मेरे इससे ज़्यादा बड़े बाल होते ही नहीं है। ठीक है, इसको सिक्योर कर देंगे अभी बॉय पिन से, सेम इसको भी ऐसे ही करूँगी मैं सेम। ठीक है, एंड इसको रोटेशन स्टार्ट करूँगी करना, एंड वापस से वन मोर टाइम, और उसके बाद में यहाँ पे सेम इसी तरीके से। ओके, इसको सिक्योर करना है तो आप सिक्योर कर लीजिए, रबर बैंड की हेल्प से करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो सेम इसको भी, नहीं तो आप बॉबी पिन की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में इसको लेना है आपको, एंड वन सेकेंड, ओके ओके, इस तरीके से दो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं, एंड बहुत अच्छे लगने वाले हैं इस तरह से, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड सेम आपको क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट, आप जो भी बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ना, भूल गए नाम, मतलब जो यदि आप इस स्टाइल ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना ना भूलना, मेरी आईडी आपको फ्लैश हो रही होगी, आप इसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ओके नेक्स्ट, ओके तो आपको ये ऐसा कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, एंड जल्दी से बन जाता है, एंड उसको उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। कुछ नहीं करना है बालों को, सारे बालों को लेना है, एक हाई बोनी बनानी है, ओके, एंड जस्ट बिकॉज सारे बालों को अच्छे से लेके, एंड उसके बाद में आपको थोड़ा दूसरा रबर बैंड लेती हूँ, तो आप एक टाइट एक पोनी बनानी है, तो मैं बना देती हूँ पोनी, और इस पोनी को, ठीक है, उसके बाद में ये पोनी बन गई हमारी, उसके बाद में पोनी बन गई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, दो पार्टीशन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में इनको क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, मैं बालों को क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, मतलब मैं इनकी छोटी नहीं बना रही, क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, उसके बाद में इन बालों को सेम, ठीक है, इसी बालों को मैं जस्ट लूज छोड़ दूँगी और एक और रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी, तो बाल बहुत फ्लफी फ्लफी लगते हैं, एंड उसके बाद में इस तरीके से, एंड उसके बाद में मैं बालों के साथ में यहाँ पे यहाँ पर आपको रबड़ बैंड लगा के सिक्योर कर देना है। पीछे प्लीज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सो जस्ट अवॉइड इट, मैं क्या करूँ, ठीक है, एंड उसके बाद में इसको छोड़ देना है, एंड उसके बाद में इसको लेना है, एंड उसके बाद में ऐसे छोड़ देना है, एंड बाद में आपको कैप लगा लेनी है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, एंड उसके बाद में आपको सिक्योर कर लेना है, आपके बाल बहुत फ्लफी लगेंगे, बहुत अच्छे लगने वाले हैं, तो आप इस तरह से इनको ट्राई कर सकते हैं आपको, एंड ट्राई कीजिए सारी स्टाइल, आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, एंड कीप स्माइल, नेवर गिव अप, पार्टिसिपेट इन गिव अवे, रिजल्ट इन डिक्लेयर इन वेरी सून, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड जिन्होंने भी सपोर्ट किया थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको वेलकम है, हमेशा सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद में छोड़ के मतलब सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट्स, ऑलरेडी मेंशन सो मेनी टाइम्स, मतलब होता है ना कि इंसान बहुत टाइम से कर रहा होता है, सो तो मतलब ऐसा लगता है कि बस अब, सो ऐसा होता है कई बार, मतलब खैर आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्त यदि जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उनको आइडिया होगा इन चीज़ों का कि मैं कितने टाइम से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, बट बदले में कहते ना कि वी आर वर्किंग एंड, तो आई होप मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल, हमें शास्त्री मुस्कुराते रहिए, Keep a smile, never give up.